दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये लाइनिंग लिया है। लाइनिंग को मैंने धो लिया है और मैं सबसे पहले लाइनिंग पे ड्राफ्ट कट करूंगी और उसके बाद फिर ब्लाउज पे। तो देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग को वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ये आगे पीछे हो जाता है धोने के बाद। तो जब भी आप ड्रेस में या ब्लाउज में लाइनिंग डालें तो पहले उसको धो लें। तो देखिए इसकी ओपनिंग जो है हमारे ब्लाउज की वो फ्रंट में है। तो सबसे पहले हम बैक पीस कट करेंगे। तो बैक पीस की लंबाई हमारे ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 14 इंच ले लें। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं लेंथ। ये हमारा डीप नेक में रहेगा तो शोल्डर मैंने 12 इंच लिया है। अभी मुड्डे लेंगे 6 इंच। ये ब्लाउज हमारा 34 साइज का है, तो देखिए तैयार करेंगे तो ये 8.5 इंच आएगा और इसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं। कोई भी साइज का बनाते हैं आप 2 इंच मार्जिन ले लें। गुलाई 1.5 इंच के सेम ड्राफ्ट पर कट कर देंगे। ड्राफ्ट बताते हैं, तो देखिए शोल्डर से अगर आप डोरी नहीं डाल रहे हैं तो शोल्डर से 2 इंच लें। अगर आप डोरी डालते हैं 2.5 या 3 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह नॉर्मल नेक बता रही हूँ विदाउट डोरी। तो मैंने शोल्डर से 2 इंच लिया है और डीप आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 10 इंच पे मार्किंग किया है। अब इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, सेम ड्रॉ पर कट कर सकते हैं या फिर राउंड या कोई भी नेक आप दे सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ फ्रंट का पार्ट। तो देखिए जो लाइनिंग है हमारा, हमने इस तरह से इसको अपोजिट साइड में रख लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे बैक कट किया था और इसी के अपोजिट में फ्रंट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं जो कि हमको 6 इंच लेना है। मुड्डे 6 इंच, अभी देखिए जैसे हमने फ्रंट बैक में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, ये प्रिंसेस कट है इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 10.5 इंच ले लें। ये मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अभी हम लेते हैं अपने कप साइज का मेजरमेंट। तो जैसे हमारा 12 है तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट को स्टिच करते हैं तो हमारे पीस आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स जैसा बना देते हैं। मुड्डे की गुलाई हमने बैक में कट कर लिया ऑलरेडी, फ्रंट में 1 इंच लेंगे। अभी नेक का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे हमारे ये पीस आगे पीछे है तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो देखिए सेम नेक आपको 2 इंच ही लेना है। अब गहराई नेक की आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैं 6.5 इंच रख रही हूँ और इसमें गुलाई हम 1/2 इंच की देंगे। इसमें भी आप कोई भी नेक दे सकते हैं। मैंने नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करके इस तरह से राउंड शेप दे दिया। अभी हम प्रिंसेस कट का पॉइंट देते हैं। तो देखिए जो हमारा पॉइंट रहेगा वो वहाँ पर 10.5 इंच पे आएगा और यहाँ से हमारा 3.5 इंच रहेगा सेंटर पार्ट से। तो इस तरह से आप लाइन खींच लें सेंटर से 3.5 इंच और ये हमारा ऊपर से पॉइंट भी आ रहा है। अभी हम नीचे प्लेट डालते हैं। तो देखिए प्लेट हमारी इसमें 3 इंच की आएगी, उसके लिए आपको यहाँ पे 6 इंच ले लेना और ये 3 इंच की हमारी प्लेट हो जाएगी और प्लेट की लंबाई हमारी 3 इंच रहेगी। देखिए इस तरह से आएगा ये। अभी हम इसकी मुड्डे की तरफ से गुलाई देते हैं। तो मुड्डे की तरफ से हम 5.5 इंच ले रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंटों को इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आएगा। अभी यहीं से हमको ये प्लेट की गुलाई इस तरह से दे देनी है। हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था लेकिन जब प्रिंसेस कट का पॉइंट आएगा तो ये क्रॉस में इस तरह से आ जाएगा।
अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हमको हल्की सी गुलाई देनी है, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, आप 1 इंच ले लें इस तरह से। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम स्ट्रेट रहने देना है। इसको अभी कट नहीं करेंगे इस पीस को, क्योंकि हम पहले ब्लाउज भी ले लेते हैं, ब्लाउज का ड्राफ्ट रख के फिर दोनों पीसों को एक साथ कट कर लेंगे। अभी हम नीचे की बेल्ट कट करते हैं। ये मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, आप चाहें तो स्लीव वाला भी बना सकते हैं। तो बेल्ट के लिए भी हम इसको इस तरह से कपड़े को सीधा रख लेते हैं। तो देखिए, हम बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं 4 इंच, इस तरह से मार्किंग कर लिया हमने। और इसकी लंबाई जो है 10 इंच ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक पीस ले लिया है। अभी हम यहाँ पे गुलाई देते हैं, तो जो हमारी साइड की सिलाई रहेगी वहाँ से आपको 3 इंच लेना है, और देखिए एक तरफ से आपको 4 इंच लेना है, और इस तरह से इसकी गुलाई कर देनी है। तो देखिए, मैंने सेम ड्राफ्ट रख के ब्लाउज भी कट कर लिया है, नीचे का बेल्ट है, और देखिए फ्रंट है, और इसका बैक भी कट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या है, हम इस प्लेट को यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका यहाँ पे सिलाई हमारी यहाँ से आएगी, तो ये प्लेट जो है सिलाई में चली जाएगी, और उसके बाद ये बेल्ट अटैच होगी। तो देखिए, मैंने जैसे बताया मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, तो जैसे नॉर्मल आप नेक के लिए क्रॉस कटिंग पट्टी कट करते हैं वो कट कर लेंगे, और सेम आर्म होल के लिए भी अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। और देखिए, बैक पार्ट भी मैंने इसका कट कर लिया ये ड्राफ्ट रख के, और इसमें भी आप कोई भी नेक दे सकते हैं, और जैसे आप हुक पट्टी काज पट्टी लगाते हैं वैसे इसमें लगाना है। और इसका सिलाई का वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की स्टिचिंग के बारे में बता रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कैसे स्टिच करें। तो देखिए, लाइनिंग वाला ब्लाउज है, तो मैंने लाइनिंग और ब्लाउज दोनों ही कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग के साथ में इस पीस को अटैच कर लेंगे, ब्लाउज पीस को लाइनिंग को। ये हमारा साइड का पार्ट है, और देखिए ये हमारा सेंटर पार्ट है, और इसकी ब्लाउज की फ्रंट ही ओपनिंग है। तो देखिए, इसको हम पहले इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, ये चारों तरफ से पहले स्टिच कर लेना है, सेंटर पार्ट को और साइड के पार्ट को। दोनों पार्ट हमारे जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद फिर नीचे इसमें बेल्ट लाएंगे और इसकी फिनिशिंग देके फिर आपको बताऊंगी किस तरह से लुक आएगा इसका। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, लाइनिंग के साथ मैंने साइड का पीस भी कट कर लिया है, स्टिच कर लिया है, और देखिए सेंटर पार्ट भी स्टिच कर लिया है, और जो बेल्ट है ये स्टिच नहीं किया मैंने, एक सेपरेट लाइनिंग का बेल्ट और कट कर लिया है, जो कि हम नीचे थोड़ा सा स्टिफ रहेगा तो अच्छी फिटिंग आएगी। तो देखिए, एक हमारा ब्लाउज कलर का है और दो हमारे लाइनिंग की बेल्ट है। तो अभी हम इसको पहले स्टिच करते हैं, तो इन बेल्ट को साइड में रखते हैं। तो देखिए, ये सेंटर पार्ट जो है इसको नीचे रखें, और जो हमारा ये पार्ट है इसको हम ऊपर रखेंगे, यहाँ मुड्डे की तरफ से मुड्डे। सिलाई डाल दी, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा कप तैयार हो रहा है। और देखिए, अभी हम इस बेल्ट को अटैच करते हैं। तो देखिए, एक बेल्ट हमने जो कपड़े वाली है इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और एक लाइनिंग की इसके ऊपर रख लेंगे, और जो हमने एक और बेल्ट कट की थी इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, और सेम अभी स्टिच डाल देते हैं। स्टिचिंग डाल दिए, और देखिए नीचे भी आप देखिए सीधी तरफ से इस तरह से, और जब हम उल्टा करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है, कोई भी सिलाई हमारी नहीं दिखाई है। तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हुक पट्टी काज पट्टी जैसे आप नॉर्मल लगाते हैं वैसे इसमें लगाते हैं, और यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, और इसी तरह में दूसरा साइड का पीस तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये क्रॉस में ये रेड कलर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रही हूँ नेक से। तो देखिए, जो नीचे का पीस है इसको हम लूज रखेंगे, जो हमारी पाइपिंग का कपड़ा है इसको थोड़ा खींचेंगे।
पाइपिंग लगा दी है, और देखिए मैंने राइट साइड जहाँ पे हुक लगाए हैं वहाँ पे भी मैंने पाइपिंग लगा दी है, और देखिए हमारे लेफ्ट साइड भी नेक में पाइपिंग है और यहाँ पे हमने हुक भी लगा दी है। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।